सब इंस्पेक्टर के घर को किया गया सीज। इंस्पेक्टर की कार से बरामद हुए थे 11 लाख रुपए और अंग्रेजी शराब। सब इंस्पेक्टर केशव सिंह ट्रैप मामले में एसीबी ने केशव सिंह का मकान सीज कर दिया है। परिजनों के आने के बाद घर की तलाशी ली जाएगी। 11 लाख रुपए की नकदी व अंग्रेजी शराब की पेटियों सहित एसीबी ने केशव सिंह को गिरफ्तार किया था। डिप्टी एसपी एसीबी पारसमल के नेतृत्व में नागौर से अजमेर आते समय हुई थी कार्रवाई। ये सूत्र सूचना के आधार पर हमने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था कल थामला के पास में नागौर जिले की सीमा में। हमारी अजमेर और नागौर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और ये केशर सिंह नरुका हैं, सब इंस्पेक्टर नागौर जिले में पोस्टेड हैं और अभी कुछ समय पहले तक खींवसर एसएचओ थे, जिनको वहाँ से किसी शिकायत के चलते हटाया गया था। उनकी गाड़ी की तलाशी में 11 लाख से अधिक नकद राशि और 21 बोतल IMFL जो है भारत निर्मित विदेशी मदिरा, ये बरामद हुई, जिसका कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और इसके चलते वो उनके खिलाफ अभी थामला थाने में आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया और वो अभी थामला थाने की पुलिस के हिरासत में है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि खींवसर थानेदार श्री केसर सिंह जो भ्रष्टाचार से अर्जित की गई राशि लेकर नागौर से अजमेर अपने निवास स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम श्री रमेश जी मौर्य एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टोल नाका पर इसको रुकवा कर चेक किया गया था। तो केसर सिंह की गाड़ी के अंदर 11,36,000 रुपये की नकदी और 21 बोतल अवैध लिकर पाई गई थी। 11,36,000 रुपये की राशि के संबंध में श्री केसर सिंह उपनिरीक्षक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर एसीबी ने कार्रवाई कर इस राशि को जब्त कर लिया गया है और जो 21 बोतल लिकर की मिली है इसके संबंध में खींवसर थाने के अंदर अलग से राजस्थान एक्साइज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अरे जो राशि मिली है कि कहां से इन्होंने की थी, कोई मामला सामने आया नहीं लग रहा था? अभी तक इसका कोई क्लू मिला नहीं है, इसे ये मौके पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो इससे यही माना जाता है कि ये भ्रष्टाचार से अर्जित की गई और अवैध रूप से अर्जित की गई राशि है, इसके संबंध में पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है। पूर्व में इनको लाइन हाजिर करते गए तो? हाँ, इसके दो दिन पहले खींवसर थाने से इनको विजिलेंस में इनकी जांच पेंडिंग होने के नाते इनको नागौर पुलिस लाइन के आदेश हो चुके थे और उसके बाद में ये कल रात को नागौर से अजमेर आते वक्त ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। और पूर्व में कोई शिकायत मिली थी कि फरमाती एसीबी को? ये अगर इस संबंध में कोई वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत हुई है, उसी के संबंध में इसकी विजिलेंस की जांच हुई थी। विजिलेंस जांच के उपरांत भी इसमें कुछ पैसे लेने की और रिश्वत राशि लेने की बात सामने आई थी और उसी के तहत अग्रिम कार्रवाई की गई थी। सर आज क्या किया है? जब हमें श्री केसर सिंह के ट्रैप होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी तो निर्देशानुसार हम इसके निवास स्थान T10 शास्त्री नगर अजमेर पर पहुँचे थे, तो इसके मकान को हमने खुलवाने की कोशिश की। इसके मकान पर कोई परिजन मौजूद नहीं मिला था, परिजनों से संपर्क भी किया गया था लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया गया। तत्पश्चात हमने इस पूरे मकान को अभी सील्ड कर दिया गया है और इनके परिजन आने पर ही इनको उनकी उपस्थिति में खोलकर इसकी खाना तलाशी ली जाएगी। कोई बैंक वगैरह की भी जांच, इनके लॉकआउट लॉकर वगैरह जांच के अकाउंट वगैरह इनकी तलाशी करना? नहीं, उनकी आकस्मिक चेकिंग के दौरान तो उनके पास तो ऐसा कुछ कोई बैंक की डिटेल्स मिली नहीं, लेकिन अगर इस संबंध में जो भी डिटेल होगी वो मकान की तलाशी में ही मिलेगी उसके संबंध में अलग से जाँच।